नमस्कार, मैं सुनील, आपका होस्ट एंड दोस्त फ्रॉम Ecom-Tech का तड़का। अगर आप ड्रॉपशिपिंग इंडस्ट्री में नए हैं, ड्रॉपशिपिंग क्या है नहीं मालूम, और ड्रॉपशिपिंग में क्या क्या हर्डल्स रहते हैं, क्या बेनिफिट्स रहते हैं, और हमारी जो नई ड्रॉपशिपिंग फुलफिलमेंट बाय सिजपैट वाली ड्रॉपशिपिंग सर्विस जो लॉन्च की है हमने, उसके बारे में अगर आप पूरी डिटेल जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे आपके जितने भी डाउट्स हैं अबाउट ड्रॉप शिपिंग वो सारे क्लियर हो जाएंगे। कल हमने जो वीडियो डाली थी अबाउट फुलफिल बाय सिजपैट ड्रॉपशिप सर्विस, तो उसके बाद बहुत सारे लोगों के बेसिक डाउट्स थे, तो मैंने सोचा एक वीडियो आज बनाया जाए जिसपे मैं सारे डाउट्स आपके क्लियर कर लूँगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये समझने की कोशिश करते हैं कि ड्रॉप शिपिंग है क्या। तो यहाँ पे मैं दोस्तों बहुत ही सिंपल एग्जांपल के साथ ड्रॉप शिपिंग का आपको डेफिनेशन समझाऊंगा। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, लेट से ये फ़ोन बेचना चाहते हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप बेचना चाहते हैं, 500,000 प्रोडक्ट्स, ठीक है, बट आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि उतनी इन्वेंट्री आप अपने पास रखें, आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप उतना पैकिंग कर सकें, आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि उतना टाइम दे सकें। तो यहाँ पे ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में क्या होता है, एक ड्रॉप शिपिंग सर्विस प्रोवाइडर होता है, जैसे कि हम एग्जाम्पल, तो यहाँ पे हम मटेरियल हमारे पास होता है, जगह हमारे पास होती है, लेबर हमारे पास होता है, सब कुछ हमारे पास होता है। तो आपको क्या करना होता है, बेसिकली आप कोई भी मार्केट प्लेसेस में प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं, वहाँ पे अगर आपके पास कोई भी ऑर्डर आता है, वो ऑर्डर की डिटेल्स आप हमें फॉरवर्ड कर देते हैं, और उसी वक्त आपका बिलिंग होता है, ठीक है, उस वक्त आपका बिलिंग होता है, मतलब आप पेमेंट करते हैं हमें और हमारे यहाँ से मटेरियल जो है डायरेक्ट कस्टमर के वहाँ पे चला जाता है। तो आपका यहाँ पे इंटरफेरेंस जो है वो बेसिकली कुछ भी नहीं रहता है, आपको सिर्फ एक ही जगह पे फोकस करना होता है कि ऑर्डर्स लाना है, ठीक है। आप कोई भी मार्केट प्लेसेस में सेल कर सकते हैं, फिलहाल एग्जिस्टिंग जो ड्रॉप शिपिंग मॉडल है उसमें सब मार्केट प्लेसेस में सेल करना मुमकिन नहीं था, लेकिन अब जो हम लेके आए उसमें आप सारे मार्केट प्लेसेस में सेल कर पाएंगे, कैसे वो मैं आपको बताऊंगा। तो ड्रॉप शिपिंग में यहाँ पे आपका जो मेजर हैसल है वो सारा हैसल आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, सब कुछ ड्रॉप शिपिंग सर्विस कंपनी जो है वो जो सर्विस प्रोवाइडर है वो यहाँ पे मैनेज करती है। सो यू ओनली फोकस ऑन गेटिंग ऑर्डर्स एंड एवरीथिंग इज डन एट द बैक एंड फ्रॉम द ड्रॉप शिपिंग कंपनी। तो बेसिकली ये एक ड्रॉप शिपिंग फंडा है। अब यहाँ पे ड्रॉप शिपिंग करने के मेजर बेनिफिट्स क्या है, ड्रॉप शिपिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट है आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत लो रहता है, बहुत मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर। अगर आपको लाखों का भी बिजनेस करना है तो भी आप जानते हैं कि लाखों का मटेरियल पहले आपके पास होना चाहिए, लेकिन ड्रॉप शिपिंग मॉडल में इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है। प्रोडक्ट रेंज जो आपको हज़ारों में मिल जाती है वहाँ पे, क्योंकि आपको प्रैक्टिकली कोई प्रोडक्ट रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, प्रोडक्ट्स आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको मटेरियल स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, रेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वेयरहाउस रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पैकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डिस्पैचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जो पैसा और टाइम आपका यहाँ पे बचता है वो आप यूटिलाइज कर सकते हैं टूवर्ड्स डेवलपिंग योर बिजनेस थ्रू डिफरेंट मीन्स, लाइक प्रोडक्ट रिसर्च हो गया, या फिर आप वो पैसे बचा के आप चाइना भी जा सकते हैं, वहाँ से भी मटेरियल ला सकते हैं, या फिर आप अपनी वेबसाइट बना के डायरेक्टली वहाँ पे मार्केटिंग कर सकते हैं। तो ऐसे जो पैसे आपके बचते हैं यहाँ पे वो आप दूसरी जगह पे यूटिलाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, व्हाट इज सिजपैट फुलफिलमेंट सर्विसेज, ठीक है। अब सिजपैट फुलफिलमेंट सर्विसेज में बेसिकली होगा क्या, पहले जो हम सर्विसेज देते थे ड्रॉपशिप की, वहाँ पे सिर्फ सेल्फ शिप हुआ करता था, विच मीन्स कि अगर आप अमेजोन में सेल कर रहे हैं तो वहाँ पे सेल्फ शिप ही आपको रखना पड़ेगा, इजी शिप आप वहाँ पे नहीं रख सकते थे। तो इससे क्या होता था, इससे यही होता था कि ऑर्डर आते थे वो बहुत कम आते थे। ऑब्वियसली कम ऑर्डर्स आएंगे तो आप भी खुश नहीं रहेंगे और हम भी खुश नहीं रहेंगे। ओवरऑल देखिए, अगर हम सर्विस प्रोवाइडर हैं, एज अ सर्विस प्रोवाइडर हम देखें तो वी आर फाइन, वी आर ओके, वी आर हैप्पी, बट आप खुश नहीं रहेंगे क्योंकि आपके ऑर्डर्स यहाँ पे कम हो जाएंगे। लेकिन हमें ये भी सोचना बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को भी बेनिफिट हो, इसलिए हम इतना रिस्क लेके, इतना इन्वेस्टमेंट करके ये एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए, जहाँ पे आपको अब ऑप्शन मिलेगा कि आप हर एक मार्केट प्लेसेस में, बात कर लें हम अमेजोन की, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, पेटीएम, फिर मीशो है, ग्लोरोड है, क्लब फैक्ट्री है, इंडिया मार्ट है, कोई भी वेबसाइट हो, आप वहाँ पे डायरेक्टली सेल कर पाएंगे एज एन ईजी शिप, या फिर जैसे डायरेक्टली पिकअप होता है आपके वहाँ पे, वैसे हमारे यहाँ पे पिकअप होगा। वो कैसे होगा वो भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली आपका एक GST रजिस्ट्रेशन होगा हमारे लोकेशन से, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी GST होल्डर हैं अपने स्टेट में, लेट से आप कोई दूसरे स्टेट से, महाराष्ट्र से, तो वहाँ पे आपका ऑलरेडी GST नंबर है, तो आप एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस हमारे यहाँ का नहीं डाल सकते, आपको यहाँ पे एक दूसरा GST नंबर लेना पड़ेगा लीगली। उसके लिए आपको एक रेंट अग्रीमेंट, जो हम स्पेस आपको एलोकेट करेंगे वहाँ पे रेंट एग्रीमेंट बनेगा, और उसके बाद एक दूसरा GST नंबर आएगा, उस GST नंबर के थ्रू आप हर एक चैनल पे डायरेक्ट सेलिंग कर पाएंगे। अब इससे बेनिफिट आपको क्या हो सकता है आप खुद एक बार इमेजिन कर सकते हैं। आपके अमेजोन में Easyship ऑप्शन आ जाएगा, विच मीन्स यू विल गेट COD ऑर्डर्स, ऑब्वियसली उससे आपके जो ऑर्डर्स का वॉल्यूम है वो कई गुना बढ़ जाएगा, प्लस आप फ्लिपकार्ट में भी सेल कर पाएंगे।
स्नैपडील पेटीएम, अगर आपके पास ट्रेडमार्क है, ऑथराइजेशन लेटर्स हैं तो वहाँ पर भी आप कर पाएंगे। मीशो है जो अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है, ग्लो रोड है, क्लब फैक्ट्री है, तो यहाँ पर भी आप जो है सारे प्रोडक्ट्स सेल कर पाएंगे जो हमारे वेयरहाउस में रखे हुए हैं। ठीक है, अब वेयरहाउस में हमारे प्रोडक्ट्स रहेंगे, प्लस जो प्राइम मेंबर्स रजिस्टर हो रहे हैं वो चाहे तो उनके प्रोडक्ट्स भी हमारे यहाँ पे वेयरहाउस में भेज सकते हैं, बट ओनली लिमिटेड टू 1 क्यूबिक मीटर। तो अभी 1 क्यूबिक मीटर की स्पेस हम एलोकेट कर रहे हैं, उससे ज़्यादा अगर स्पेस चाहिए तो 1 क्यूबिक फीट के ऊपर 100 रुपीज मंथली चार्ज लगेगा। हालांकि इससे मुझे लगता नहीं कि कोई एडिशनली उतनी स्पेस लेगा, 1 क्यूबिक मीटर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 1 क्यूबिक मीटर बेसिकली होता है 9 स्क्वायर फीट। ठीक है, 9 क्यूबिक स्क्वायर फीट जितना जगह आपको मटेरियल के लिए मिलेगी। तो यहाँ से जो प्राइम मेंबर्स हैं वो अपने प्रोडक्ट्स भी हमारे नेटवर्क के थ्रू सेल कर पाएंगे इजीशिप के थ्रू। अब क्या होगा, सपोज आप एक प्राइम मेंबर हैं, आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, अच्छी रेट में आप प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे यहाँ पे हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स जो है वो इजीशिप में लग जाएंगे। मतलब कि जो दूसरे रीसेलर्स हैं जो अलग अलग प्लेटफॉर्म में सेल कर रहे हैं, वो जो प्रोडक्ट्स आपने भी भेजे हैं वो भी सेल करेंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म में। तो आप हमारे प्रोडक्ट्स भी सेल कर पाएंगे, आप अपने प्रोडक्ट्स भी सेल कर पाएंगे हमारे थ्रू। तो ये एक बहुत ही बड़ा इकोसिस्टम है जहाँ पे जितने भी मेंबर्स जुड़ेंगे वो सबको यहाँ पे एक फ़ायदा होगा। प्लस हमारे जो होलसेल का बिजनेस है उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, जो होलसेल का बिजनेस है वहाँ से भी बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो था यहाँ पे, ऑर्डर्स कम आते थे, सीओडी ऑर्डर्स तो ऑब्वियसली नहीं आते थे, और सेल्फ शिप अगर आप लिस्टिंग करते हैं तो बाय बॉक्स आने के चांसेस भी बहुत कम रहते हैं एज यू ऑलरेडी नो इट, और यहाँ पे सिर्फ अमेजोन और फेसबुक में ही लोग सेल कर पाते थे। तो यहाँ पे अब ऑप्शन सब लोगों के लिए, जो लोग भी रजिस्टर कर रहे हैं सबके लिए, हर एक चैनल के लिए ये ऑप्शन खुल जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ FAQs, जो बेसिक सवाल आपके रहते हैं उसका मैं यहाँ पे पॉइंट्स 1 by 1 रीड करूंगा और उसके भी जवाब दूंगा। तो सबसे पहला सवाल है यहाँ पे, हु कैन रजिस्टर फॉर दिस? तो एग्जिस्टिंग प्राइम मेंबर्स जो हैं दे कैन रजिस्टर, दे डोंट हैव टू पे द प्राइम मेंबरशिप। अगर उन लोगों ने नई प्राइम मेंबरशिप ले रखी है तो, अब जो लोगों ने पहली पुरानी प्राइम मेंबरशिप ले रखी थी जिसका नाम था प्राइम एंड प्राइम प्रो, जो 2500 और 5000 वाले थे, अगर उनका अभी तक प्रॉफिट नहीं हुआ है तो वो लोग फुलफिलमेंट बाय सिस्पेट सर्विस में एनरोल कर सकते हैं बाय जस्ट पेइंग द वेयरहाउस रेंट फॉर 1 ईयर, और अगर उनका रिन्यूअल पीरियड आ चुका है तो उनको वो प्लान रिन्यू करना पड़ेगा एज पर द न्यू प्लान विच इज ऑफ 10,000 रुपीज प्लस 12,000 रुपीज जो 1 ईयर का रेंट बनता है वेयरहाउस का वो। अगर कोई नया मेंबर आना चाहता है तो उनको फर्स्ट ईयर की जो प्राइम मेंबरशिप है 10,000 वो, और 12,000 जो वेयरहाउस का रेंट है वो उनको पे करना पड़ेगा। अब आप पूछेंगे कि चार्जेस इतने ज़्यादा हम लोगों ने क्यों रखे हैं? तो देखिए दोस्तों, अगर हम चाहते तो यहाँ पे मंथली भी रख सकते थे, ठीक है, 2,000 रुपये भी रख सकते थे। अब उस केस में होता क्या, एक बार खुद आप सिनेरियो को इमेजिन करिए, अगर हम 2,000 रुपये रखेंगे तो कम से कम 1,000 लोग इसमें ज्वाइन हो जाएंगे, क्योंकि सबको पता है कि इतने सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे उनके लिए हर एक मार्केट प्लेस में, वो लोग सेल कर पाएंगे तो 1,000 लोग जुड़ जाएंगे यहाँ पे। उससे सबसे ज़्यादा फायदा किसको होगा, ऑब्वियसली हमको तो होगा, लेकिन आप लोगों को वहाँ पे फायदा नहीं होगा। अगर मैं कंपटीशन ऐसे बढ़ाऊंगा बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली, आप लोगों को सेल वहाँ से नहीं मिलेगा। दैट्स द रीज़न वी आर कीपिंग द चार्जेस एट अ हायर साइड, सो दैट जो लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं, जितने भी लोग, ठीक है, लिमिटेड लोग ज्वाइन करेंगे मुझे पता है, क्योंकि यहाँ पे रिस्क बिजनेस में कोई लेना नहीं चाहता है। ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि हम बिजनेस में आगे बढ़े, बट बिजनेस में रिस्क लेने वाले लोग बहुत कम होते हैं, तो एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे बिजनेस में रिस्क कम ही लेंगे। तो यहाँ पे कंपटीशन जो है वो काफ़ी कंट्रोल में रहेगा। कंपटीशन कंट्रोल में रहेगा तो क्या होगा कि सेल आने के चांसेस ज़्यादा है। अभी देखिए, होम एंड किचन हो या कोई भी कैटेगरी हो, अगर मीशो की मैं बात करूँ, ग्लो रोड की बात करूँ, ऑन एन एवरेज एक एक बंदा 300-400 ऑर्डर प्रोसेस कर लेता है एक दिन में। वर्स्ट के सिनेरियो में होम एंड किचन में और उसमें कम से कम 10-15 ऑर्डर तो वो मीशो और ग्लो रोड जैसे साइट में ही निकाल ले रहे हैं आज के ज़माने में, बिकॉज वहाँ पे 3 लाख से 4 लाख रीसेलर्स हैं मीशो में आज की तारीख में। तो आप सोचिए, आप जो प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं वहाँ पे 3 से 4 लाख रीसेलर्स आपके प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए बैठे रहते हैं, तो यहाँ पे बेनिफिट सबको मिलेगा। तो दैट्स द रीज़न कि हम यहाँ पे चार्जेस थोड़े से ज़्यादा रख रहे हैं, तो कॉम्पिटिशन जो है वो क्लस्टर जो है वो ज़्यादा बढ़ ना जाए और फ़ायदा सबको, सिर्फ हमको नहीं सबको फ़ायदा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन वी यूज 2 अकाउंट्स लाइक 2 अमेजोन अकाउंट्स? देखिए, अगर आप ऑलरेडी एक स्टेट से GST के साथ बिजनेस कर रहे हैं इजीशिप में या सेल्फ शिप में जो भी कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे कंटिन्यू रखिए। यहाँ पे आप दूसरा अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं यहाँ के लिए। अगर किसी और नाम से करते हैं वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर आप किसी और नाम से करते हैं, मैं सजेस्ट करूँगा किसी और नाम से ही करें। जैसे कि अगर आप हैं, आप चाहें तो अपनी वाइफ के नाम से, अपने फादर के नाम से, मदर के नाम से यहाँ पे आप GST नंबर लेके मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं सजेस्ट करता हूँ, अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है स्टिल यू कैन गो फॉर इट, बट आई डोंट सजेस्ट कि आप डायरेक्टली अपने ही नाम से दो दो अकाउंट ऑपरेट करें। कैन वी डू इजीशिप, सेल्फ शिप, FBA,
हाउ इज़ इट गोइंग टू हेल्प? आप सब कुछ कर सकते हैं यहाँ से, इजी शिप भी हो जाएगा, FBA भी हो जाएगा, और सेल्फ शिप भी एज यूजुअल, सेल्फ शिप तो कहीं से भी हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि ऑर्डर कहाँ से आया। अगर ऑर्डर ऐसी जगह से आया जहाँ पे इजी शिप सर्विस अवेलेबल नहीं है तो वो सेल्फ शिप में जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से डायरेक्टली जो प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं वो अच्छे यूनिक प्रोडक्ट्स हैं डायरेक्टली FBA में भेजने हैं, तो हम डायरेक्टली यहाँ से FBA जो सेंटर है अहमदाबाद का वहाँ पर ही हम डायरेक्टली भेज देंगे। तो इससे फ़ायदा क्या होगा आपको, आपका जो शिपिंग कॉस्ट है ओवरऑल वो काफ़ी बढ़ जाएगा। अभी जनरली क्या होता है कि मैं आपको यहाँ से प्रोडक्ट भेजता हूँ, आपके लोकेशन में प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अभी प्रोडक्ट हमारे पास ही पड़ा है यहाँ पे, तो यहाँ से सीधा FBA में चला जाएगा, ठीक है। एक फैसिलिटी हम ये भी लाने वाले हैं कि जो FBA में मटेरियल हम भेजेंगे यहाँ से उनका कॉस्ट भी हम बेयर करेंगे इनकेस द टोटल ओवरऑल अमाउंट इज़ मोर देन सर्टन लिमिट से 2-3 लाख के ऊपर अगर मटेरियल का वैल्यू बनता है तो जो भेजने का कॉस्ट होता है वो भी हम यहाँ से बेयर करेंगे। डू वी हैव टू पे द रेंट इन एडवांस और EMI और इंस्टॉलमेंट इज अवेलेबल? देखिए रेंट हमने एडवांस में रखा है पूरा, इसलिए क्योंकि अगर एज आई सेड EMI में करेंगे तो लोग ज़्यादा जुड़ेंगे। बट एक जो चीज़ हमने कल नोटिस की, कल बहुत सारे कॉल्स आए वहाँ पे लोगों का यही कहना था कि सर पहले हाफ अमाउंट हम दे देते हैं और हाफ अमाउंट हम अगले महीने देंगे। सो मैंने बोला ठीक है, ऐसा करते हैं कि हाफ अमाउंट आप अभी दे दीजिए, हाफ अमाउंट जो है वो आप नेक्स्ट मंथ जब आपका GST रजिस्ट्रेशन बाय दैट टाइम हो जाता है तब आप करिएगा, या फिर आप एक पोस्ट डेटेड चेक जो है वो दे सकते हैं नेक्स्ट मंथ का, ठीक है। तो ऐसे क्या हम भी सिक्योर रहेंगे, आप भी सिक्योर रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर एक बार रेंट एग्रीमेंट हो जाता है उसके बाद कैंसिलेशन करना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हम हमारी प्रीमाइसिस का आपको रेंट एग्रीमेंट करके दे रहे हैं। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज हमारे यहाँ से रिस्क फैक्टर जो है वो बहुत बढ़ जाता है, दैट्स द रीज़न। हु विल मैनेज आवर अकाउंट्स? जो अकाउंट्स हैं आपके अमेजोन के, फ्लिपकार्ट, शॉपक्लूज, जो भी, वो आप ही को मैनेज करने पड़ेंगे। कैसे? जो भी ऑर्डर्स आएंगे इजी शिप से या कहीं से भी, आपको हमें लेबल्स एंड इनवॉइसेस भेजने होंगे। वी विल नॉट बी एबल टू सी और गो इन योर अकाउंट्स बिकॉज वो मल्टीपल अकाउंट लॉगिन का फैक्टर आ जाता है, जिससे हो सकता है कि आपका अकाउंट जो है वो बंद हो जाए। तो आपको सिर्फ लेबल्स और इनवॉइसेस डाउनलोड करने पड़ेंगे, बाय मेल फॉरवर्ड करने पड़ेंगे मेल ID पे जो हमारे टीम मेंबर्स आपको दे देंगे, ठीक है, जब आप रजिस्टर करेंगे उसके बाद। तो वहाँ पे आप भेजेंगे डिटेल्स, वहाँ से ही आपको कंफर्मेशन आ जाएगा। एक टूल भी है जिसको हम यूज़ करने वाले हैं फॉर ऑर्डर प्रोसेसिंग, तो जो लोग मेंबर बनेंगे उनको एक टूल भी दे दिया जाएगा जहाँ से वो ऑर्डर का पूरा अपडेट वहाँ से ले सकते हैं। हु विल डू द लिस्टिंग? लिस्टिंग्स दोस्तों आप ही को करनी पड़ेगी, और यहाँ पे सबसे बड़ा फैक्टर जो आता है वो लिस्टिंग का ही आता है। अगर आप मेंबरशिप ले लेंगे और लिस्टिंग नहीं करेंगे तो आपके ऑर्डर्स नहीं आएंगे, हम लिस्टिंग नहीं कर पाएंगे इस केस में। लिस्टिंग जितनी भी है वो आपको करनी पड़ेगी। हु विल प्रोसेस ऑर्डर्स एंड हाउ? ऑर्डर्स सारे हमारे यहाँ से प्रोसेस होंगे, ठीक है, डिस्पैचिंग वगैरह सब हमारे यहाँ से होगा। इजी शिप के ऑर्डर्स हैं तो ऑब्वियसली आपको पता है कि 1-2 दिन के अंदर मटेरियल यहाँ से डिस्पैच हो जाएगा। मटेरियल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे फुल स्टॉक रहने वाला है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग विल बी अवेलेबल इन कार्टन्स एंड कार्टन्स, तो आउट ऑफ स्टॉक होने के चांसेस भी कम रहेंगे। हावेवर जो लोग भी मेंबर होंगे उनको एक लाइव एक्सेल शीट भी प्रोवाइड की जाएगी, ओनली रीड एक्सेस, जहाँ पे वो कौन सी प्रोडक्ट की कितनी इन्वेंट्री है वो लाइव फीड वहाँ पे चेक कर पाएंगे। मैं अपने वेयरहाउस जो जगह बनी है उसका पूरा आपको डिटेल में नेक्स्ट वीक एक और वीडियो बना के दूंगा, हर एक चीज़ समझाऊंगा कि कहाँ से क्या मैनेज होगा। हर एक चीज़ बारकोड के थ्रू मेंटेन होगी और जो हमारे सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू मेंटेन होगी, तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत अपग्रेडेशन लेके आ रहे हैं हम। जैसे अमेजोन फुलफिलमेंट सेंटर में होता है ऑलमोस्ट, समझ लीजिए कि उस तरह की टेक्नोलॉजी हम यूज़ करने वाले हैं ताकि आप लोगों को लाइव इन्वेंट्री अपडेट मिलता रहे। व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग रिटर्न रिक्वेस्ट? जो रिटर्न रिक्वेस्ट आएंगी वो बाय डिफॉल्ट वहाँ सिस्टम से ही एक्सेप्ट होगी, ठीक है। अगर सेल्फ शिप ऑर्डर है तो जो सेलर है, जो भी रीसेलर है, उनको वो रिटर्न रिक्वेस्ट मैनेज करनी पड़ेगी। रिटर्न रिक्वेस्ट हम हमारी तरफ से मैनेज नहीं कर पाएंगे, वो रिस्क जो है वो सेलर का रहेगा। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि किस टाइप के प्रोडक्ट्स का रिटर्न होगा, ठीक है, कैसे मैनेज होगा। तो अगर प्रोडक्ट कोई भी डिलीवर होता है कस्टमर को डैमेज्ड, ठीक है, या फिर गलत प्रोडक्ट डिलीवर हो गया, उस केस में जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है वो हम बेयर करेंगे, ठीक है, हमारी तरफ से वो कॉस्ट पूरा बेयर करेंगे प्रोडक्ट का सिर्फ। लेकिन जो मटेरियल गया है उसका जो शिपिंग कॉस्ट लगा है या फिर पैकिंग कॉस्ट लगा है वो हम बेयर नहीं कर पाएंगे हमारी तरफ से, क्योंकि ये रिस्क है दोनों तरफ। हम भी हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी मिस्टेक्स ना हो। अब उसको कंट्रोल में करने के लिए हमने एक क्वालिटी चेक बंदा रखा है जो सिर्फ मटेरियल का क्वालिटी चेक करेगा बिफोर शिपिंग, और हर एक प्रोडक्ट में एक ओके टेस्टेड या क्वालिटी चेक का एक होलोग्राम वहाँ पे वो स्टिकर लगाएगा। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो क्वालिटी चेक होके ही आगे डिस्पैच होंगे, उसकी पैकिंग की क्वालिटी चेक या फिर मटेरियल की क्वालिटी चेक वो होके ही प्रोडक्ट जो है सामने डिस्पैच होगा।
हु विल अपडेट अस अबाउट द रिटर्न्स. तो जब भी कोई प्रोडक्ट रिटर्न होगा आपकी एक सेंट्रलाइज फाइल बनेगी, जितने भी मेंबर्स हैं सबकी एक सेंट्रलाइज फाइल बनेगी, वहाँ पर ही सारी डिटेल्स अपडेट कर दी जाएगी. तो वो रीड ओनली एक्सेस मिलेगा आपको, जहाँ पे आप सिर्फ देख पाएंगे कि क्या हो रहा है. ठीक है, उसका एक्सेस हमारी टीम के पास रहेगा. जो भी मटेरियल यहाँ से जा रहा है, जो भी मटेरियल आ रहा है, सबकी डिटेल्स वो सेंट्रलाइज फाइल में आपके लिए पर्टिकुलरली वो मेंटेन होगी और आपको उसका एक्सेस भी मिलेगा. डू वी गेट कंप्लीट रिफंड फॉर मटेरियल अलॉन्ग विद शिपिंग? नो. जैसे कि मैंने पहले बताया, आपको मटेरियल का रिफंड मिलेगा इन केस ऑफ डैमेज, इन केस ऑफ रॉन्ग प्रोडक्ट सेंट. बट इन केस कस्टमर बोलता है कि हमें क्वालिटी पसंद नहीं आई, क्वालिटी इशू है, उस केस में हम रिफंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कस्टमर आप जानते हैं कि बहुत बार वैलिड रीजन भी नहीं देता है और क्वालिटी के इश्यूज निकालता है इफ दे डिडंट लाइक द प्रोडक्ट ओवरऑल. तो उस केस में रिस्क हमारा यहाँ पे नहीं रहेगा, उस केस में जो सेलर्स हैं, ड्रॉपशिप मेंबर्स हैं, उनका रहेगा. तो जो मटेरियल का कॉस्ट है और शिपिंग का कॉस्ट है, वो इन एनी केस वो रिफंड नहीं होगा. पैकिंग मटेरियल कॉस्ट, पैकिंग मटेरियल कॉस्ट जो है वो बेसिकली 5 rupees से स्टार्ट होगा, जो ओवर एंड अबव जो प्रोडक्ट वैल्यू है उसके ऊपर लगेगा. ठीक है, मतलब प्रोडक्ट की वैल्यू जो आपको दिखेगी साइड पे, उस पर 5 rupees. इफ़ द प्रोडक्ट वॉल्यूमेट्रिक वेट इज़ 500 grams, अगर 500 grams से प्रोडक्ट का वॉल्यूमेट्रिक वेट ज़्यादा है 1 kilo तक, तो उसकी 8 rupees होगी. अगर 1 kilo से 2 kilo तक है तो उसका 12 rupees होगा. जैसे वो बढ़ता जाएगा अप टू 30 rupees उसके शिपिंग कॉस्ट रहेंगे. ठीक है, वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा एट द टाइम ऑफ अग्रीमेंट. और वो जो शिपिंग कॉस्ट है वो एट द एंड ऑफ द मंथ आपसे लिया जाएगा, वो जब आप पेमेंट करेंगे तब नहीं, एट द एंड ऑफ द मंथ. जितने ऑर्डर प्रोसेस हुए वो एक्सेल डेटा जो मेंटेन करते हैं वहाँ पर ही देखा जाएगा कि कितने ऑर्डर प्रोसेस किए, और वो पेमेंट पैकिंग मटेरियल का आपको बाद में प्रोवाइड करना होगा. अगर शिपिंग कॉस्ट कहीं पर भी लगता है, लेट्स से सेल्फ शिप ऑर्डर आया और शिपिंग लगता है, तो वो आपको अपफ्रंट पे करना पड़ेगा हमको. What are the storage charges for material? As I said, 1 cubic meter तक कोई चार्ज नहीं है अगर प्राइम मेंबर्स उनके मटेरियल हमारे यहाँ पे भेजते हैं टू सेल थ्रू आवर नेटवर्क, थ्रू आवर शोरूम. बट उससे ज़्यादा अगर कुछ भेजना है तो 1 square feet का, क्यूबिक स्क्वायर फीट का 100 rupees पर मंथ लगेगा. कैन वी सेल आर प्रोडक्ट्स थ्रू होमिकार्ट वेबसाइट और नेटवर्क और शोरूम? येस, यू कैन सेल. अगर आप प्राइम मेंबर्स हैं तो आप हमारे वेबसाइट के थ्रू भी, हमारे नेटवर्क के थ्रू भी और हमारे शोरूम के थ्रू भी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं. बट यहाँ पे कंडीशन एक ही है कि जो भी मटेरियल आप हमारे वेयरहाउस में भेजेंगे वो आपको पेमेंट हम सामने अपफ्रंट नहीं करेंगे. जब मटेरियल बिकेगा तभी आपको पेमेंट होगा, आफ्टर 7 days ऑफ द मटेरियल बिंग सोल्ड एंड विदाउट एनी रिटर्न इश्यूज. हु विल मैनेज जीएसटी फाइलिंग? जीएसटी फाइलिंग मैंडेटरीली जितने भी मेंबर्स बन रहे हैं उनका फाइलिंग हमें ही करना होगा, और उसका एडिशनल कॉस्ट 500 rupees पर मंथ रहेगा टिल द टाइम दे आर एसोसिएटेड विद अस. इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जीएसटी में बहुत सारे घपले होते हैं. ठीक है, और अगर कोई भी घपला होता है जीएसटी में तो हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि प्रीमाइसिस हमारा है. तो यहाँ पे मैंडेटरीली जीएसटी फाइलिंग जो है वो हम ही करेंगे 500 rupees पर मंथ. डेटा जो भी है वो सारा उनको हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा. जो डेटा हमारे पास से मेंटेन होता है तो हमारे पास ही रहेगा, बट अदरवाइज और कोई डेटा है तो वो सेलर को हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, और उसके बाद हम रिटर्न फाइलिंग करके उनको कन्फर्मेशन दे देंगे. और कोई अकाउंट डिटेल्स हम मेंटेन नहीं करेंगे, सिर्फ जीएसटी रिटर्न फाइलिंग का ही यहाँ पे मैं बता रहा हूँ. व्हाट इफ द ऑर्डर इज कैंसल ड्यू टू नो स्टॉक? अगर ऑर्डर कैंसिल होता है ड्यू टू नो स्टॉक, उस केस में हम पूरा चार्ज बेयर करेंगे, जो भी कैंसिलेशन चार्जेस है वो हमारी तरफ से बेयर करेंगे. कैन वी कैंसिल मेंबरशिप? नो. वंस यू बिकम अ मेंबर, यू बिकम अ मेंबर. एक साल तक आप उसको कैंसिल नहीं कर पाएंगे, हम रिफंड नहीं कर पाएंगे, उसको किसी भी सर्विसेज के टूवर्ड्स एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे. तो प्लीज़ सोच समझ के आप मेंबरशिप लीजिएगा, रिफंड यहाँ पे नहीं हो पाएगा. इज देर एनी अग्रीमेंट डन बिटवीन बोथ पार्टीज एंड विच टाइप? येस, देर आर थ्री टाइप ऑफ अग्रीमेंट्स डन. तीनों कॉपीज आपको भेजी जाएंगी हमारी तरफ से. यू हैव टू रीड, अग्री, साइन एंड सेंड इट बैक टू अस. हम हमारी तरफ से भी उसको साइन करके, स्टैम्प करके आपको भेजेंगे. सो बोथ द पार्टीज विल हैव एन अग्रीमेंट, MOU एन अग्रीमेंट, साइंड एंड अग्रीड. वेयरहाउस लीज, रेंटल कॉस्ट एंड टाइम. वेयरहाउस लीज इज फॉर 1 year, विच इज़ लाइक 11 months and 29 days. तो एवरी ईयर इसके जो रिन्यूअल चार्जेस है वो और बढ़ेंगे. सो अभी कोई अगर 12,000 में सपोज ज्वाइन करता है तो नेक्स्ट ईयर अप टू 30% उसमें हाइक हो सकता है, अप टू 30%, उससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे. अगर कोई नया बंदा आता है लेट्स से बिटवीन दैट पीरियड, तो ऑब्वियसली रेंट जो है अभी से डबल ही हो जाएगा, क्योंकि अभी इंट्रोडक्टरी प्राइजेज हैं एज यू नो इट. बट इन अ वेरी शॉर्ट टाइम the prices are going to shoot up. Any other legal fees for rent agreement? No. जो हम 12,000 आपसे कलेक्ट कर रहे हैं उसके अंदर जो GST रजिस्ट्रेशन करना है उसके चार्जेस, प्लस जो रेंटल अग्रीमेंट चार्जेस, वो सारे इसके अंदर इंक्लूडेड है. लीगल जो चार्जेस है वो सारे इसके अंदर इंक्लूडेड है.
how much time it would take for the process to be ready. जब आप पेमेंट करेंगे उसके within 1 week हमारे यहाँ से डॉक्यूमेंट्स रेडी होके आपके पास चले जाएंगे. आपको वहाँ पे लोकल जो डॉक्यूमेंट्स हम भेजेंगे वहाँ पे आपको नोटराइज करना पड़ेगा आपके सिग्नेचर्स और स्टैम्प्स के बाद. अगर स्टैम्प है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपके सिग्नेचर के बाद उसको नोटराइज करना पड़ेगा और वो डॉक्यूमेंट्स आपको हमें वापस भेजने पड़ेंगे हमारे एड्रेस पे. ओरिजिनल कॉपी हमारे पास रहेगी, फोटो कॉपी आपके पास रहेगी, बट जैसे ही आप वहाँ पे साइन कर लेते हैं आपके लोकेशन में आप तुरंत उसका फोटो लेके हमें भेज सकते हैं विथ योर आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ताकि आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है यहाँ पे शुरू हो जाए. तो आई थिंक जब आप पेमेंट करेंगे विद इन 10 to 15 days आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा. तो सबसे एक सवाल यहाँ पे ये भी आता है कि तो हमें क्या उससे एक्सटेंशन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन तो चले जाएंगे बिकॉज ऑफ द रजिस्ट्रेशन पार्ट. तो हाँ, हम हमारी तरफ से उतना टाइम का एक्सटेंशन देंगे, हालांकि 365 हम दे रहे हैं, बट अगर आपको चाहिए तो और एक्सटेंशन हम 15-20 दिन का भी करके दे सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है. व्हाट अबाउट पीपल हु आर इन गुजरात? तो अगर जो लोग गुजरात में हैं उनको सिर्फ एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ही रजिस्टर करना है, बट रेंट एग्रीमेंट मैंडेटरी है. तो अगर वो लोग यहाँ पे आ सकते हैं हमारे लोकेशन पे तो उनको खड़े खड़े ही रेंट एग्रीमेंट बना के नोटराइज करके फिर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस लगा के यहाँ से डायरेक्टली बिजनेस कर सकते हैं. आर वी प्लानिंग टू ओपन सच सेंटर्स इन अदर स्टेट? यस. तो ये हमारा पहला सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है जहाँ पे हम लोग मेजरली सब कुछ मैनेज करने वाले हैं अबाउट ई कॉमर्स. तो ऐसे सेंटर्स हमारे अगले साल भी प्लानिंग है कि दूसरे सिटीज़ में हम खोलेंगे, ताकि जितने भी नियर बाई लोकेशंस हैं, मतलब जितने भी नियर बाई लोग हैं उनको मैक्सिमम बेनिफिट हो, और जो उस स्टेट में हैं पर्टिकुलरली तो उनको ये सारे जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो सब ना करना पड़े. बट आई थिंक इट विल टेक एटलीस्ट अ ईयर, एक साल तो और लग ही जाएगा. उतना फास्ट ग्रोथ हम लोग अभी फ़िलहाल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं. आर द प्राइजेज फिक्स्ड फॉर मेम्बरशिप एंड रेंट? येस, द प्राइजेज आर फिक्स्ड फॉर मेम्बरशिप एंड रेंट. हाउएवर दे आर सब्जेक्ट टू इंक्रीज अगेन. जैसे कि आपको पता है कि पहले हमने स्टार्ट किया था मेम्बरशिप ईजीशिप ड्रॉपशिप के डेढ़ साल पहले 200 रुपये में, ठीक है, 200, 500 and 1000. आज अभी वो 10,000 हो गया है. तो ऑब्वियसली जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा, डिमांड बढ़ती जाएगी, लोग और ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, वी हैव टू इंक्रीज द प्राइजेज, वरना एज आई सेड बहुत सारे लोग जुड़ गए तो किसी को फायदा नहीं होगा. हाउ मच प्रॉफिट कैन वी मेक फ्रॉम दिस बिजनेस या फ्रॉम दिस ईजीशिप बिजनेस? तो ये टोटली डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन. अगर मैं हूँ, अगर ये सर्विस मैं लेता हूँ, मैं इंश्योर करूँगा कि जितने भी मार्केट प्लेसेस हैं सब जगह मैं लिस्टिंग को छाप डालूँ, मतलब कि सब जगह लिस्टिंग कर डालूँ, क्योंकि यहाँ पे लाइबिलिटी मेरी नहीं आती है, ठीक है. एज अ मैं ड्रॉप शिपर हूँ तो मेरी लाइबिलिटी ज़्यादा नहीं आती है, क्योंकि अगर ऑर्डर कैंसिल भी होता है देन आई एम गोइंग टू पे फॉर इट, ठीक है, सॉरी द ड्रॉप शिपर इज गोइंग टू पे फॉर इट. तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी कि मैं जितना हो सके उतना लिस्टिंग करूँ, पूरा दिन बैठ के लिस्टिंग करूँ. ऑर्डर जो आएगा वो भी मुझे प्रोसेस नहीं करना है, वो भी प्रोसेस ड्रॉप शिपर करेगा. तो मेरा काम क्या बचा? सिर्फ लिस्टिंग करना. तो यहाँ पे दोस्तों सक्सेसफुल होना है तो आपको लिस्टिंग जितना हो सके जितने भी साइट्स हो सके सब जगह लिस्टिंग करनी है. ऑर्डर्स ऐसे ही आएंगे क्योंकि ईजीशिप सीओडी सब अवेलेबल है तो आएंगे. प्लस हम लोग और भी 1,500-2,000 प्रोडक्ट्स लेके आने वाले नेक्स्ट मंथ. जो इस महीने का प्लान था चाइना जाने का वो एक्सटेंड हो गया, पोस्टपोन हो गया. अब नेक्स्ट मंथ प्लानिंग है चाइना जाने का, तो दिसंबर तक और भी प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, उससे पहले भी और प्रोडक्ट्स आएंगे. बाय द एंड ऑफ दिस मंथ हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1,000+ प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, ओवरऑल 1,000+ प्रोडक्ट्स. तो उतने प्रोडक्ट्स की हम यहाँ पे इन्वेंट्री करने वाले हैं. चाइना जाएंगे उसके बाद 1,500-2,000 प्रोडक्ट्स और आ जाएंगे. सो एक्सपेक्टिंग 3,000+ प्रोडक्ट्स बाय एंड ऑफ दिस ईयर. व्हाट काइंड ऑफ पैकिंग मटेरियल आर वी गोइंग टू यूज? सो वी आर गोइंग टू यूज गवर्नमेंट अप्रूव्ड पॉली बैग्स जिसमें ऑथराइज है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आएगा. कोरोगेटेड रोल्स हैं वो यूज़ करेंगे और सेफ यूज़ करेंगे. जो भी प्रोडक्ट पैकेजिंग सेफ है, इको फ्रेंडली है, वो यूज़ करेंगे और इंश्योर करेंगे कि प्रोडक्ट जो है वो डैमेज नहीं होता, उस तरह की पैकिंग करेंगे. और आपको दिखाएंगे भी, ऑब्वियसली आपको दिखाएंगे भी. कैन वी सेंड मटेरियल टू FBA डायरेक्टली फ्रॉम आवर वेयरहाउस? यस. अगर आप चाहते हैं कि अहमदाबाद का जो FBA फुलफिलमेंट सेंटर है यहाँ से डायरेक्ट प्रोडक्ट वहाँ भेज दें तो वो फैसिलिटी भी हमारे यहाँ पे अवेलेबल है. अगर कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है हमसे 50,000 के ऊपर और FBA में भेजता है तो उसके कोई एडिशनल चार्जेस हम हमारी तरफ से नहीं लेंगे. जनरली हम पर प्रोडक्ट पे 3 to 5 rupees चार्ज करते हैं, उसको लेबलिंग करने का, लेबल लगाना, पैकिंग करना, बॉक्स में डालना, वो सारे
चीज़ों को पकड़ के 3 to 5 rupees चार्ज करते हैं, बट 50,000 से अगर किसी का ऑर्डर ज़्यादा है तो हम उसके कोई चार्जेस नहीं लेते, डायरेक्ट यहाँ पे पैकिंग करके आपका मटेरियल FBA में भेज सकते हैं। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स डू वी हैव राइट नाउ? अबाउट 400 to 500 प्रोडक्ट्स आर देयर राइट नाउ, एंड बाई एंड ऑफ दिस मंथ वी विल ट्राई टू मेक समवेयर क्लोज टू 1,000 प्रोडक्ट्स, एंड बाई एंड ऑफ दिस ईयर we'll try to make somewhere around 3,000 products. Going to be any difference in wholesale and dropship rates if someone wants to buy in bulk? Yes, there is going to be a little difference, 2% तक का difference additional रहेगा, क्योंकि हम dropship members को already rock bottom prices provide करने वाले हैं, तो यहाँ पे wholesale में और dropshipping price में ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा, 2 to 3% का फर्क रहेगा। अगर आप बल्क में क्वांटिटी में ले रहे हैं, लाखों का, 2 lakh का 3 lakh का मटेरियल, तो ऑब्वियसली आपको वो 2-3% भी काफी बेनिफिशियल हो सकता है। व्हाट इफ द प्रोडक्ट डिलीवर्ड इज रॉन्ग और डैमेज? इन दैट केस वी विल रिफंड द मनी टू यू फॉर द प्रोडक्ट, या फिर वहां से जो रिटर्न पिकअप करवाना है सेल्फ शिप है तो वो भी हम हेल्प करेंगे आपको प्रोडक्ट को वापस लाने में, बट जो शिपिंग कॉस्ट है वो हम बेयर नहीं कर पाएंगे। तो हाँ, यहाँ पे आपका रिस्क रहेगा, और रिस्क जो है वो दोनों तरफ इक्वली रहना चाहिए, हालांकि हमारी तरफ थोड़ा ज्यादा है, बट एक रिस्क ये जो है वो आपकी तरफ भी रहेगा। व्हाट इफ द प्रोडक्ट डिलीवर्ड इज डिफेक्टिव? डिफेक्टिव है, काम नहीं कर रहा है, उस केस में भी हम ही जो है वो प्रोडक्ट का कॉस्ट बेयर करेंगे, ठीक है। बट अगर कोई क्वालिटी इश्यू के रिलेटेड बात करता है तो वहाँ पे हम एंटरटेन नहीं कर पाएंगे। हु विल अरेंज द पिकअप फ्रॉम कस्टमर्स लोकेशन फॉर द मटेरियल? वी विल नॉट अरेंज द पिकअप फ्रॉम द कस्टमर्स प्लेस, कस्टमर को खुद को करना पड़ेगा वो मटेरियल शिप, और जो भी कॉस्ट होगा वो सेलर को पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ से हम थोड़ा सा साइड में हट जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हैव हैपेंड इन द पास्ट, सो ये टर्म्स एंड कंडीशन पे हम स्ट्रिक्ट रहेंगे। अब इसके बेसिस पे अगर कोई लोग ज्वाइन नहीं भी करते हैं, वी विल नॉट माइंड इट, ठीक है, एज ऑफ नाउ, बिकॉज इससे क्या होगा कि हम अभी तो बोल देंगे कि ठीक है हम कर देते हैं, फिर बाद में कस्टमर 1,000-2,000 का बिल भेजता है, उस वक्त हमारे और जो सेलर है उसके बीच में आर्ग्यूमेंट हो जाता है कि ऐसा क्यों हुआ, किससे पूछ के किया, तो हम ये नहीं करना चाहते हैं। जो भी रिटर्न का कॉस्ट है या भेजने का कॉस्ट है वो हम हमारी तरफ से बेयर नहीं कर पाएंगे। How much time it would take to start the services? Let's say 15 to 20 days to get start with the GST registration and everything. How can we enroll for the services? Who will assist after making the payment? आपको WhatsApp करना है 9033666811 पे, वहाँ पे आपको पेमेंट डिटेल्स मांगनी है, पेमेंट करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट शेयर करना है, उसके बाद आपको कनेक्ट कर दिया जाएगा हमारी ऑनबोर्डिंग टीम के साथ, और आपको हमारी ऑनबोर्डिंग टीम के साथ कॉन्स्टेंटली टच में रहना है, और कुछ भी हो आपको उनको कॉन्टैक्ट करना है फॉर एनी सपोर्ट, एनी असिस्टेंस, ठीक है। आपको डायरेक्ट नंबर्स दे दिए जाएंगे हर एक डिपार्टमेंट के, तो जो भी क्वेरी रहेगी आप उनको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर पाएंगे। हाउ कैन वी मैनेज आवर अकाउंट्स थ्रू विच सॉफ्टवेयर? अकाउंट्स जनरली आप क्विक बुक से मैनेज कर सकते हैं, अगर आप डायरेक्टली कर रहे हैं, सीए के थ्रू कर रहे हैं तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, या टैली से कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट वुड डिपेंड ऑन यू कम्प्लीटली। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे मेजर डाउट्स जो थे वो क्लियर कर दिए। आई एम श्योर कुछ नए डाउट्स और भी होंगे, अगर इसको छोड़ के कोई और डाउट्स है तो आप प्लीज़ व्हाट्सएप करिए इसी नंबर पे 9033666811, हम आपको कनेक्ट करवा देंगे हमारी टीम के साथ, जो आपको सारी इन्फॉर्मेशन फिर से तो नहीं बट जो जो मिस है इसके अंदर वो आपको प्रोवाइड कर देगी। तो दोस्तों, जाते जाते आप लोगों को आइडिया आ चुका है कि क्या इसमें इंक्लूडेड है, क्या इंक्लूडेड नहीं है, कैसे आपको इसमें से बेनिफिट मिल सकता है, कितने ऑर्डर्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जनरली अगर आप कहीं पर भी जाते हैं, कोई भी इजीशिप जो सेलर हैं, अगर आप देखते हैं वहाँ पे वो लोग 50-100 ऑर्डर जनरेट कर रहे हैं, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि अगर आपके पास 500-1,000 प्रोडक्ट्स हैं और आप हर एक चैनल में सेल कर रहे हैं, तो आपके पास ओवरऑल कितने ऑर्डर्स आ सकते हैं, ठीक है। स्टॉक ख़त्म ना हो, स्टॉक हमेशा रहे, और नए नए प्रोडक्ट्स आते रहे, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, क्योंकि यही हमारी अब सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और हमने ये जो जगह यहाँ पर रखी है वो शो के लिए नहीं रखी है, वहाँ से बिजनेस करने के लिए रखी है, और बिजनेस अगर आप करोगे तो हम सर्वाइव कर पाएंगे। सीधी सी बात है, आप ग्रो कर रहे हैं तो हम ग्रो कर रहे हैं, विदाउट यू वी आर नॉट पॉसिबल, सो ऐसी है। तो जो भी ग्रोथ आप देख रहे हैं इट्स बिकॉज ऑफ यू, आप ग्रो कर रहे हैं इसलिए हम ग्रो कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। और जो लोग सोच रहे हैं कि हम ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, वो सिंपल एक ही रीज़न है कि आप लोग लिस्टिंग पे फोकस नहीं कर रहे हैं। अब वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, आपके पास लिस्टिंग का भी ऑप्शन है हर एक चैनल में, जस्ट फोकस ऑन लिस्टिंग, क्वालिटी लिस्टिंग एंड ऑल मार्केट प्लेसेस, दैट्स इट। सो दैट्स इट, और कोई सवाल रह गया हो तो पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप में, और कोशिश करेंगे जितनी हो सके आप लोगों को जवाब देने की। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।